लेकिन वियर्स, ट्यूटोरियल गीक चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वियर्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल गीक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट आपकी वॉल पे मिल सके। वियर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने स्मार्टफोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोई भी सेटेलाइट को अपने डिश पर सेट कर सकते हैं। वियर्स, आज हम जो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उसका नाम है सेटेलाइट डायरेक्टर। वियर्स, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी, आप गूगल में जाके लिखें प्ले स्टोर फ्री डाउनलोड सेटेलाइट डायरेक्टर APK फाइल, तो आपको ये गूगल से इसकी APK फाइल मिल जाएगी। इसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करें, तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का आइकन आएगा। ये देखें, मेरे पास सेटेलाइट डायरेक्टर ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो वियर्स, आपने गूगल से सेटेलाइट डायरेक्टर को फाइंड करके इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही स्मॉल फाइल है, कुछ सेकंड्स में आपके पास डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी। तो वियर्स, उसके बाद आएँ, अब हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं देखते हैं। वियर्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले सेटेलाइट डायरेक्टर को ओपन करना है। ये देखिए, सेटेलाइट डायरेक्टर को ओपन करने के बाद वियर्स, सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ जो कि ज़रूरी हैं। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, और साथ ही आपकी जो GPS लोकेशन है वो ऑन होनी चाहिए। GPS लोकेशन कैसे ऑन करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये GPS लोकेशन है। GPS लोकेशन आप ऑन कर लेंगे। वियर्स, ये देखिए, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये GPS लोकेशन आपने ऑन करनी है। दूसरा, आपका मोबाइल जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो डेटा लेती है वो कहाँ से लेती है जी, इंटरनेट से लेती है GPS के थ्रू। तो सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन आती हैं, नंबर एक लोकेशन, नंबर दो सेटेलाइट्स, और नंबर तीन डायरेक्टर। फिर इस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत ही जल्दी कोई भी सेटेलाइट फाइंड कर सकते हैं, फिर इसका इस्तेमाल भी इंतहाई इजी है। तो वियर, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रीसेट GPS करना है। रीसेट GPS आप करेंगे तो आपके पास ये जो एक्यूरेसी वाला कॉलम है ये ग्रीन होके इसमें नंबर सा आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो लोकेशन है GPS के हिसाब से वो सेट हो चुकी है। तो वियर, रीसेट GPS करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सेटेलाइट में जाना है, दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है सेटेलाइट। सेटेलाइट में जाने के बाद वियर, यहाँ आपको सेटेलाइट की लिस्ट दी गई है, यहाँ से आपने सेटेलाइट को सेलेक्ट करना है। जो सेटेलाइट आपने फाइंड करनी है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो वियर्स, हम कौन सी सेटेलाइट सेलेक्ट करते हैं, हमने इस वक्त सेलेक्ट की हुई है बदर 26, बदर सेट सेलेक्ट की हुई है, बदर सेट 26 ईस्ट। तो वियर्स, इसको हम फाइंड करते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें वियर्स, बदर 6, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद वियर्स, हमने क्या करना है, सेटेलाइट सेलेक्ट करने के बाद वियर्स, आपने ऊपर ऑप्शन में से जाना है जी डायरेक्टर की ऑप्शन में। सबसे पहले हमने लोकेशन सेट की, उसके बाद हमने सेटेलाइट सेलेक्ट की बदर, उसके बाद अब हम डायरेक्टर पे जाते हैं। बस जैसे ही आप डायरेक्टर पे जाएंगे तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन सर्कल सा बना आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये गोल डॉट जो है इसको अपने मोबाइल को मूव करके इसको इस सर्कल में लाना है, तो आपके पास सेटेलाइट की डायरेक्शन आ जाएगी। ये देखें, ये ऊपर आपके सामने ऑप्शन आ रही है, कह रहा है कि टर्न, इस तरफ टर्न करें। देखें, मैं आपके सामने अब इसको टर्न करता हूँ, बदर सेट को हम सेट करते हैं। ये देखें वियर्स, बदर सेट की डायरेक्शन कहाँ है, देखिए वियर्स, देखिए वियर्स, ये बिल्कुल ईस्ट जगह, यहाँ पे हमारे पास वियर्स, ये देखें, अलाइन LNB एरो टू सियान एरो, ये यहाँ आपको एरो नज़र आ रहा है, इस जगह आपने LNB सेट करनी है, तो आपके पास बदर सेट सेट हो जाएगी। वियर्स, बहुत ही इजी है एप्लीकेशन का यूज़ करना, जस्ट आपने GPS के साथ लाइन करना है, सेटेलाइट सेलेक्ट करनी है, और इस तरह आपने ये डॉट्स है इसको सर्कल में लेके आना है, तो आपको उस सेटेलाइट की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये देखिए, अब हमारे पास जो बदर ईस्ट 26 डिग्री पर जो चलती है उसकी लोकेशन हमारे पास आ गई है। तो वियर्स, एप्लीकेशन को सही तरह से समझने के लिए आए, अब हम किसी और सेटेलाइट का भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो वियर्स, हम दोबारा लोकेशन पे आते हैं, लोकेशन पे आने के बाद वियर्स, मैं सेटेलाइट में जाता हूँ। सेटेलाइट में जाने के बाद वियर्स, हम अब सेलेक्ट करते हैं सेटेलाइट में से
हम पाक सेट सेलेक्ट करते हैं। वीर्स आप फाइंड भी कर सकते हैं सेटेलाइट, मैंने पाक सेट लिख के सर्च किया तो मेरे पास ये पाक सेट आ गई। उसके बाद मैंने पाक सेट 1R को ये देखें सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वीर्स हम डायरेक्टर में जाते हैं। डायरेक्टर में जाने के बाद वीर्स ये देखें आपके पास ये एरो आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये किस जगह, ये देखिए हमने सेट करना है पाक सेट। तो ये देखिए पाक सेट की लोकेशन हमारे पास इस तरफ। वीर्स बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, देखें पाक सेट 1R हमारे पास इस जगह पे सेट है। देखिए वीर्स इसी डायरेक्शन में सेट है। वीर्स इसी तरह डायरेक्शन का देखते हैं कि हम डायरेक्शन ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। हम एशिया सेट को भी फाइंड करते हैं ताकि कन्फ्यूजन कोई ना रहे आपको। वीर सेटेलाइट में हम जाके यहाँ पे सर्च में करते हैं, एशिया सेट को सेलेक्ट करते हैं। वीर एशिया सेट और सर्च कर देते हैं। एशिया सेट कौन सी हमने करनी है जी? एशिया सेट हमारे पास है जी, एशिया सेट 7 को हमने सेलेक्ट करना है। वीर हमारे पास 108 डिग्री, 105, ये देखिए वीर्स एशिया सेट 160 डिग्री, ये देखिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। वीर्स अब हम डायरेक्टर ने जाके इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि ये ठीक बता रहा है। पाक सेट की भी डायरेक्शन आपने देख ली, मदर सेट की भी देख ली, अब हम एशिया सेट की डायरेक्शन देखते हैं। फिर से देखिए बिल्कुल आपको डायरेक्शन जो है वो एक्यूरेट बताएगा, ये एप्लीकेशन आपको बताएगी। ये देखिए वीर्स एशिया सेट आपका इस तरफ चल रहा है। देखिए वीर्स बहुत ही इजी इसका यूज़ है। वीर्स वीर्स प्रैक्टिकल यूज़ के लिए आइए, अब हमें आपको अपने डिश सेटअप पर लेके चलता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए। देख लें कि डायरेक्शन ये ठीक बता रहे हैं या नहीं। आए डिश के पास जाके हम ये जी। तो वीर्स कोशिश करते हैं, हम अपने छत पे आ गए हैं, डिश के मुताबिक हम सेट करने की कोशिश करते हैं। वीर्स देखिए सबसे पहले हम सेटेलाइट सेलेक्ट करेंगे। सेटेलाइट में से हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है एशिया सेट 7, ये आप देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये लोकेशन ठीक बताता है या नहीं। वीर्स ये देखिए ये जो मेरे सामने डिश है ये एशिया सेट 7 पे सेट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसकी लोकेशन ये ठीक बताता है। तो वीर्स सेटेलाइट हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हम डायरेक्टर में जाते हैं। डायरेक्टर में जाते हैं वीर्स जी। तो वीर डायरेक्टर सेलेक्ट कर ली। वीर साहब देखिए लोकेशन आप देखें, अच्छा देखिए वीर्स ये देखिए एशिया सेट की LNB हमारे पास सेट ऑलरेडी। अच्छा देखिए वीर्स ये देखें वीर्स हमारे पास एशिया सेट के LNB ऑलरेडी सेट है। इसकी ये देखें डायरेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है, आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए मैं इसके ऊपर रखता हूँ, ये देखें वीर्स ये डायरेक्शन है इसकी एशिया सेट 7 की। ये देखें वीर्स ये बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन बता रहा है। वीर्स ये देखिए LNB की डायरेक्शन। तो वीर्स इस तरह आप सेटेलाइट डायरेक्टर को यूज़ करके कोई भी सेटेलाइट आसानी इजीली सर्च कर सकते हैं। तो वीर्स अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एटॉलिक गिव सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट आसानी मिल सके। तो वीर्स अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।